हथियारों के बल पर युवती के साथ गैंगरेप की हुई वारदात, दरिंदों ने लूटी आबरू, मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के रामपुर में ईंट भट्टे पर काम करने वाली युवती के साथ गैंगरेप दबंगों ने परिवार हथियारों के बल पर गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। हुए फरार पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ किया गैंगरेप का मुकदमा दर्ज। वारदात थाना शहजाद नगर क्षेत्र की है, जहां हैवानों ने ईंट भट्टे पर काम करने वाली युवती की हथियारों के बल पर आबरू लूट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए शाहबाद सरकारी हॉस्पिटल भेजा है। वहीं पुलिस तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। रिसेंटली थाना शहजाद नगर में कोई गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है? हाँ, पटवाई क्षेत्र की एक पीड़िता ने आज शिकायत की थी। इस सूचना पर मैं भी और एसपी साहब भी गए थे। महिला ने और उसके पिता ने ये बताया कि शहजाद नगर क्षेत्र में तुमड़िया भट्टे पर वो काम करते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। उनसे जो तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है। विवेचना की जा रही है। तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने अभियोग लिखाया है। अच्छा, पूरा मामला गैंगरेप है पूरा या? हाँ, चूंकि तीन लोगों के खिलाफ है तो 376 DIPC में अभियोग पंजीकृत है और उसी में विवेचना की जा रही है। अच्छा, इससे पहले भी इन्हें शिकायत करी थी? हाँ, इस घटना के बारे में इससे पहले भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी मौके पर गए थे और जब इनसे अभियोग लिखाने की बात आई थाने पर, उस समय मैं भी पहुंच गया था। कैमरा के सामने इन्होंने बयान दिया था कि इनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। एक लिखित तहरीर भी उस समय इन्होंने दिया था, जो उस समय थाना प्रभारी ने रोजनामचा आम में शामिल कर ली थी। चूंकि उस समय इन्होंने कोई बात अपने साथ कोई अपराध होने की सूचना नहीं दी थी, इस नाते अभियोग नहीं पंजीकृत हुआ था। आज जब इन्होंने अभियोग पंजीकृत होने की सूचना दी और उसे तायिद भी किया, इन रिटर्न दिया, तो तत्काल अभियोग पंजीकृत करा लिया गया, क्योंकि महिला से संबंधित मामला है और मेडिकल करा दिया गया है। विवेचना की जा रही है, अज्ञात लोगों का पता लगाया जाएगा। साक्ष्य के क्रम में त्वरित कार्यवाही पूरा कर ली जाएगी।